सुल्तानपुर लोधी दियां तैयारियां जानदियां गुरु नानक साहब जी राय बुलार कहिंदा जी एक बेनती है पता नहीं फिर मेले होण या ना होण एक बारी घर चरण पा दिओ। गुरु नानक साहब जी बहुत प्यार करदे सी राय बुलार नूं, वो भी करदा चले गए। कुछ मंगना कोई बेनती करनी झोली अड के कहण लगा महाराज अज बहुत खुशी का दिन है घर चरण पाए जे कोई उपदेश झोली च पा दे। दो बचन पाए पहला बचन पाया राय बुलार पांच नमाजां ते पढ़नियां ही नहीं मुसलमान वीर गुरु नानक नूं सारे ही पूजदे पहला बचन कीता पांच नमाजां ते पढ़नियां ही ने इहदे नाल नाल राय बुलार जी वेले समय नूं भी सफला करना है गज के आखो साथा जिथे जापे वेल है सिमरन करके उस समय नूं भी सफला करना है। जे आपां कहीए इस वेले कलयुग है ते झूठ महाकलयुग है उस महाकलयुग विच सब तो वड्डा प्रधान है मोबाइल इन्ना क तोड़ रहे पुछो ही कुछ जना खना बच्चा वड्डा सब ए मस्त हो कोई विरला विरला ही है जेड़ा मोबाइल विचों बाणी का पाठ करता कीर्तन सुनता चंगे बचन नहीं तो इस वेले बुरा हाल है उन्नी उन्नी मिनट सतारा सतारा मिनट बाई बाई मिनट गल्लां होंदियां ते जदों मोबाइल तुसी अगले का फोन कटदे हो टाइम आ जाता बाई मिनट उन्नी मिनट एक बारी मन नूं लानत जरूर पाईए बाई मिनटां च तेरा एक बारी भी वाहिगुरू नहीं जपिया गया तू सफला नहीं कीता वेले सर ये गुरु नानक साहब का उपदेश हिरदे च वसाए बड़ा ही जरूरी जी पांच नमाजां ते पढ़निया ही ने इहदे नाल नाल वेले समय नूं भी सफला करना गज के आखो साथा वो भी सफला गुरु नानक साहब ने राय बुलार नूं दूजा भजन किया जदों सारे आसरे खत्म हो जाए निम हो के निम हुंदा निमरता विच बाहां खड़ियां कोई नहीं मेरा जदों सारे आसरे टुट जाण निम हो के बाहां खड़ियां जरूरी मतलब नहीं खड़ियां करके अंदरों बाहां भी कोई बल नहीं मेरे कहिंदे सारे आसरे टुट जाण निम हो के बाहां खड़ियां करके अरदास करी परमेश्वर दी अल्लाह दी कृपा वरतनी शुरू हो जाए आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी अरदास च इन्नी ताकत कई कहिंदे नहीं करनी चाहीदी बाबा दीप सिंह तो वड्डा कौन है उन्हां को केड़ी ताकत नहीं बाबा दीप सिंह जी जदों हरिमंदर साहब जी उहदी बेदबी नूं रोकण लई निकले ते तरन तारन अरदासा सोधिया गज के आखो सतनाम मैनूं सफलता दई उहनां को केड़ी ताकत भाई वीर सिंह जी दे प्रेमी सी डेरा दून रहिंदे सी उहनां तीन दिन का प्रोग्राम रखिया सी डेरा दून है भी पंडाल च सी ते 25,000 दा कट्ठ एक दिन पहले उहनां दा उदों फोन किते किते हुंदे सी दूजे वड्डे तार वाले एक दिन पहला उन्हों का सुनिया आया भावें फोन राही या किसी तरीके नाल कि भाई साहब जी मौसम बड़ा खराब मन डरिया पै प्रोग्राम पंडाल से तैयारियां सब कीतियां कट्ठ भी है सुने भी भेजे इश्तहार भी होर भी कुछ करो भाई वीर सिंह अगले दिन प्रोग्राम च पहुंचे मौसम भी साफ कट्ठ भी बड़ा दीवान भी चल रहे पहले दिन की समाप्ति हुई दो दिन होर सी
ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਸੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਾਈ, ਅੱਧੀ ਜੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਲੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੱਤਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੱਤਿਆ ਚਰਨਾਂ